जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मजे से आपके टेस्ट की तैयारी चल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी थोड़े से प्रेशर में होंगे, लेकिन प्रेशर की कोई बात नहीं है। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी चैनल आपकी सुविधाओं को देखते हुए, आपके प्रिपरेशन को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है, जिसके आप दिए गए लिंक पे जाकर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं। तो पहले आप उस टेस्ट को आप खुद दे लीजिए और देखिए कि लिमिटेड टाइम में कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए हैं, और अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, नेगेटिव आप क्यों जा रहे हैं, जिससे कि धीरे धीरे आप नेगेटिव को कम कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, कि जिससे आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा आप कर सकें, आप सेलेक्ट हो सकें। तो आज जो हमारे हाथ में है वो पेपर है सेट 2, टॉपिक वाइज का सेट 2 है, जिसमें हमने चैप्टर्स आपको क्या दिया है, फंक्शन चैप्टर आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है। तो उम्मीद करता हूँ पेपर आप लेकर के बैठे होंगे और उस क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये दिया है कि FQ2Q और f(x)=x² और f inverse 9 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्यू प्लस है हमारा, तो F इनवर्स 9 का क्या वैल्यू होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो FY बराबर f(x) आप लिख रहे हो, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, f inverse y हो जाएगा। तो इसका मतलब y का मान 9 दिया है, f(x) मतलब कि y बराबर x²। अब y का मान अगर 9 दिया है तो x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। नो डाउट y अगर 9 रख देंगे तो x का वैल्यू 3, क्योंकि हमें माइनस में जाना ही नहीं है, क्यू प्लस दिया है, पॉजिटिव रेशनल नंबर लेना है। तो x माइनस 3 भी हो सकता है, प्लस भी 3 भी हो सकता है, लेकिन यहां चूंकि क्यू प्लस दिया है इसलिए आप प्लस 3 में आंसर लगाएंगे, माइनस में आंसर नहीं लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है हमारा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, सीधा सीधा कह रहा है इसमें कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा फलन है और कौन फलन नहीं है हमारा। तो इसमें दिया है y = x², y² = x, y = x³ और y = x³। सोचने समझने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि अगर y अक्ष के समानांतर कोई भी सरल रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो वो फलन नहीं होता है। इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट, देन दैट विल बी नॉट ए फंक्शन। तो y²x का जो ग्राफ बनता है हमारा वो आपका बन जाता है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये बन जाएगा, ये y²= x का है, तो ये वाई के पैरेलल लाइन इसको दो जगह पे काट रहा, तो ये कभी फंक्शन नहीं होगा, यानी कि बी वाला जो है वो उसका सही आंसर है हमारा। तो बड़ा सा आसान सा सवाल है आपका, फंक्शन पहचानने का यही तरीका है, सबसे इजी तरीका, आप ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बना करके बस देख लीजिए कि y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उसको एक से ज्यादा जगह पे काट रहा है कि नहीं काट रहा, कोई भी एक लाइन एक से ज्यादा जगह काटा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। या दूसरा तरीका, x के किसी एक मान के लिए y का 2 मान आ जाए, तो y²= अगर x है, x का मान अगर 1 रख लें तो y²(1), तो y का मान ±1 दोनों आ जाएगा, ठीक। तो x के किसी एक मान के लिए अगर y का 2 मान आ जाए, डबल वैल्यू आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए हमारा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होता है। तो y²x सेकेंड ऑप्शन जो है वो फंक्शन नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें हम, तो दिया है f(x)cos(log x), तो हमसे पूछा जा रहा है कि f(x)f(y) कितना, -1/2 f(x)y + f(x)y क्या होगा।
तो ये हम लोग जानते हैं कि जो x में चेंज इधर करते हैं वही चेंज इधर भी करते हैं, तो ये हो जाएगा cos log x cos log y माइनस वन बाई टू cos of log x y प्लस cos of log x इंटू y हमारा ये मिल गया। अब ये जानते हैं कि log m बाई n जो होता है वो हमारा log m माइनस log n होता है, और log of m इंटू n जो होता है वो log m प्लस log n हो जाता है आपका। तो इसी फार्मूले को लगा लें तो cos log x cos log y माइनस हाफ cos of log x माइनस log y प्लस cos of log x प्लस log y कर देंगे। अब क्या होता है फार्मूला कि cos a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b जो हमारा हो जाता है वो 2 cos a इंटू cos b। तो a वाला काम log x कर रहा है, b वाला काम log y कर रहा है, तो cos log x cos log y माइनस हाफ इंटू टू cos log x इंटू cos log y, ये हमारा मिल गया। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कट करके क्या आ गया, 0 मिल गया हमें। तो 0 हमारा ऑप्शंस में कोई है ही नहीं, मतलब डी जो है इसका वो सही आंसर है हमारा। तो ये दिया हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अब ऑप्शंस इसमें दे दिया है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा दे दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तीसरा दे दिया है एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, और चौथा दे दिया है नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस। इसको आपको ऑप्शन से करने होंगे, ऑप्शन से आपको करने होंगे। तो इसकी बात करें तो f ऑफ x स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर है तो मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, और ये मॉड ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये तो भाई कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहां हम 3 रखें तो 3 माइनस, सबसे आसान जो तरीका कोई भी एक नंबर रख के ले, 3 रखेंगे 3 माइनस वन 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन यहां अगर 3 आपने रख लिया तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 हमारा, तो 8 तो कभी 4 के इक्वल हो नहीं सकता, 8 कभी 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, मतलब ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं, ये गलत हमारा। अब f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू y की बात कर रहा तो नो डाउट ये भी सही नहीं होगा हमारा। क्यों? ये कह रहा मॉड ऑफ x प्लस y माइनस वन बराबर मॉड ऑफ x माइनस वन मॉड ऑफ y माइनस वन। मान लिया x का मान 3 ले लिया, y का मान 2 ले लिया हमने, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इधर वाला 4 आएगा, और इधर 3 रखेंगे तो 2 आएगा, यहां 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 गुना 1 एक हम 2 हमारा, तो इधर 4 आ रहा है इधर 2 आ रहा, तो क्या ये दोनों बराबर होगा? इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब इसकी बात करें, इसमें जो दिया है x की जगह मॉड ऑफ x रखना, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 की बात करें तो ये भी भाई इक्वल कभी नहीं हो सकता है। x की वैल्यू अगर हमने मान लिया कि 3 रखा हमने, तो 3 रखा तो इधर वाला तो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आना है, इधर वाला 0 पे है, माइनस 1, माइनस 1 का मॉड इधर 1 हमारा, ये तो इधर वाला जब भी होना है x माइनस 1 का मॉड है, तो इसका डेफिनेशन तो 0 पे चेंज होना है, लेकिन इसका डेफिनेशन कहां पे चेंज होना है, 1 पे चेंज होना है, इसका डेफिनेशन कहां पे चेंज होना है, 1 पे चेंज होना, तो दोनों जब अलग अलग है, इसका ये 0 पे बदलेगा ये 1 पे बदलेगा हमारा, तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, दोनों कभी इक्वल आने की कोई संभावना है ही नहीं हमारा। और अगर हम बात करें जैसे इसमें x की वैल्यू हम माइनस 3 रख लें, तो माइनस 3 का मॉड 3, 3 माइनस 1
ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहां माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 का मॉड 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों भी कभी इक्वल नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जो है हमारा चौथा। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए बस कोई एक दो नंबर रख करके आप देख लें, बड़ा इजिली आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, f of x is equal to cos of greatest integer x, x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है। तो इसका रेंज पूछा जा रहा है, इसका आपसे परिसर पूछा जा रहा है। क्या है तो परिसर मतलब क्या कि y का मान निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग क्या जानते हैं, x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, यानी कि माइनस 1.57 से लेकर के 1.57 तक है हमारा। पाई का मान 3.14 होता है, 3.14 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.57 आ गया आपका। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जानते हैं कि माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2 होता है, माइनस 1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 होता है, 0 से 1 के बीच का 0 होता है, और 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो इसका माइनस 1.57 से लेकर के अगर माइनस 1 तक रहेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 2। माइनस 1 या उससे ज्यादा, 0 से कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा माइनस 1, 0 से लेकर के अगर 1 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और 1 से लेकर के 2, लेकिन 2 तक जाना नहीं है आपको, 1.57 तक ही रखना है। तो 1.57 तक है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो हमारा 1 के इक्वल। इसका मतलब y इज इक्वल टू क्रॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, cos माइनस 2, cos माइनस 1, cos 0 और cos 1 आएगा। cos माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि cos थीटा ही होता है हमारा, तो ये हो गया cos 2, ये हो गया cos 1, cos 0 1, ये cos 1, तो तीन ही तो वैल्यू आई इसकी। तो रेंज इसका क्या, cos 2, 1 और cos 1, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है इसका बी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जा रही है, तो फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, फंक्शन कौन सा है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया है, सेकेंड में वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया है, थर्ड में वाई इज स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1 दिया है, और फोर्थ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ही ऐसा होगा जिसको कि एक्स वाई के पैरेलल लाइन कोई भी एक से ज़्यादा जगह नहीं काट पाएगा, तो यही फंक्शन हो जाएगा। या यहाँ एक्स का मान 1 रख दें, इसमें एक्स बराबर 1 रखें तो y का मान यहाँ प्लस माइनस 1 दोनों आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें भी y का मान प्लस माइनस 1 दोनों आएगा, और यहाँ अगर y का मान 1 रखें तो भी हमारा x की वैल्यू अगर ये चीज, तो यहाँ x के डबल वैल्यूज के लिए, कोई भी y के एक वैल्यू के लिए x का डबल वैल्यू है कि नहीं हमें ये देखना है हमारा। तो यहाँ अगर हम कुछ भी रखते हैं फर्स्ट वाले में, तो y स्क्वायर अगर x है हमारा, x की वैल्यू अगर 1 रख दें तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों मिलेगा, इसमें तो ना मिलेगा, इसमें भी हमारा y का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों मिलेगा, और ये हमारा दोनों है तो इसमें भी x का y का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा। x अगर 1 रख देंगे तो 1 कैंसिल, y का वैल्यू 1 0, लेकिन अगर y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 2 रख दिया जाए हमारा, तो फिर इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां भी वाई में अगर स्क्वायर लग गया तो फिर वो फंक्शन होने से रहा हमारा। तो जो सेकेंड है बी वाला आंसर है वही सही होगा, बाकी सब में कोई भी ऐसा फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ या ए सी और डी में से किसी के भी पैरेलल
वाई के पैरेलल लाइन जो है जब भी होगा एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा, और एक से ज्यादा जगह पे कट किया तो फिर वो फंक्शन नहीं हो सकता है। तो बाकी एक ही आपको देखना है, एक ही आंसर, ये हम इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। y बराबर मॉड x तो मॉडुलस फंक्शन दिया, ये तो फंक्शन है ही हमारा, बाकी तीन क्या हो रहा नहीं हो रहा हमसे कोई मतलब है ही नहीं, एक ही तो आपको टिक लगाना है। जेई मेन एडवांस का तो दे नहीं रहे कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की बात की जाए तो सेवेंथ में आपका है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स बराबर दिया है थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो आपसे फॉग एक्स पूछा जा रहा है, फॉग एक्स क्या होता है, तो फॉग एक्स क्या होता है इसकी बात करें तो सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स की जगह दिया है वो रख दें आप, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह हो गया थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अब यहां पर एक्स की जगह पर ये सारी चीजें रखनी है तो लॉग ऑफ वन माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल क्यूब। ये भी a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। पावर जो होता है वो नीचे चला जाता है तो 3 log of 1 माइनस x अपॉन वन प्लस एक्स, और ये f ऑफ x दिया हुआ है तो 3 f ऑफ x हमारा। इसका मतलब fog x जो होगा वो 3 f ऑफ x के इक्वल, यानी कि c वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो ये भी है f ऑफ x बराबर log of 1 प्लस x अपॉन वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस सॉरी वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो f ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब log ऑफ वन प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा log ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ऊपर वाला वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाला वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब टू log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, यानी कि टू एफ ऑफ एक्स। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एफ ऑफ एक्स बराबर टू पर पावर एक्स टू पर पावर माइनस एक्स बाई टू दिया है, तो पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है वन बाई टू एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू वाई, सेकेंड है 1 बाई टू एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ टू वाई, थर्ड है 1 बाई फोर एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू वाई, और फोर्थ है 1 बाई फोर एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ टू वाई। तो बड़ा आसान, जो ऑब्जेक्टिव अगर करना है तो तुरंत हम कर सकते हैं, एक्स वाई का कोई भी मान रख लें, एक्स वाई का कोई भी मान रख लिया, मान लिया एक्स का मान भी जीरो और वाई का मान भी जीरो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। यहाँ अगर एफ ऑफ जीरो का वैल्यू रख लें टू पर पावर जीरो टू पर पावर यानी कि वन, हमारा क्या आ जाएगा वन, तो वन इंटू वन वन। अब यही एक्स वाई का मान ऑप्शन में भी रख के देख लें हम, तो देखें वन किस में आएगा, ये वन बाई टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो वन प्लस वन टू टू बाई टू वन हमारा। इसमें अगर रख लिया जाए एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो, ये हमारा क्या आ जाएगा जीरो। इसमें रख लें तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो
ये 1 आया था, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 4, 1 बाई 2 आ जाएगा, और इसमें रख लें तो फिर f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0, ये हमारा क्या आना है, फिर 0 आना है। तो हमारा क्या आया था, इसमें 1 आया था, 1 चारों में किस में आ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला हमारा सही आंसर है। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप रख करके चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे ऑब्जेक्टिव मेथड में। आप क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो f दिया है r से r, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस मॉड ऑफ x, पूछ रहा है आपसे देन f ऑफ 2x प्लस f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x, ऑप्शंस क्या है, 2x सेकेंड 2 मॉड ऑफ x, c माइनस 2x और फोर्थ माइनस 2 मॉड ऑफ x। हमने क्या बोला, सबसे आसान तरीका आप क्या करिए, x की कोई भी वैल्यू एक क्वेश्चन में रखिए और वही ऑप्शन में रखिए, जिसमें मैच कर जाए वही आंसर हमारा। तो मान लिया हमने x बराबर 1, तो क्या आ जाएगा, इतना इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ माइनस 1 माइनस f ऑफ 1। अगर यहाँ से f ऑफ 2 की बात करें तो 4 प्लस मॉड ऑफ 2 मतलब कि 6, f ऑफ माइनस 1 की बात करें तो माइनस 2 मॉड ऑफ माइनस 1 माइनस 1, और f ऑफ 1 की बात करें तो 2 मॉड ऑफ 1 हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो 6 माइनस 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब x बराबर हम एक ऑप्शन में रख करके देखें कौन सा आएगा, x बराबर 1 तो 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, इन दोनों में नहीं होगा, तो ये दोनों तो हमारा भाई गलत है। ये दोनों में कौन सा होगा, वो अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हमारा, तो उसके लिए क्या कर लें, एक वैल्यू और रख के देख लें, एक वैल्यू और रख के देख लें। जैसे यहाँ माइनस वन ही रख के देखते तो सही हो जाता, ये माइनस में आता, ये अभी भी प्लस में आएगा हमारा। तो अब यहाँ अगर देखें एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू, अब यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रख के देख लें, तो एक्स की वैल्यू जब माइनस वन रखेंगे हम, तब ये हमें मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस टू प्लस एफ ऑफ वन एफ ऑफ माइनस वन। अब यहाँ से एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू निकालें तो माइनस फोर प्लस टू यानी माइनस टू, एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टू प्लस वन, टू हो जाए थ्री हो गया, और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टू प्लस वन, ये हमारा माइनस वन हो गया, यानी कि माइनस टू प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस वन, तीन एक चार, चार माइनस दो, दो आ रहा। अब माइनस वन इसमें रख के अगर देखें तो माइनस टू आ जाएगा, और इसमें रख के देखें तो टू आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर सही, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका तो ये है सॉल्व करने का हमारा, अदरवाइज अगर प्रॉपर वे में हम इसको सॉल्व करें तो भाई ये f ऑफ 2x हमारा क्या हो जाएगा, 4x प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ माइनस x माइनस x मतलब 2x प्लस मॉड ऑफ x हमारा, तो ये हमारा हो गया 4x, इसको 2 मॉड ऑफ x लिख सकते हैं, माइनस 2x मॉड माइनस x को मॉड ऑफ x ही लिखा जा सकता, माइनस 2x माइनस मॉड ऑफ x, तो ये हमारा मॉड ऑफ एक्स कैंसिल, 4x 2x 2x कैंसिल, हमारा क्या बच गया, 2 मॉड ऑफ x। तो इस उससे भी आसान तरीका है चेक करने में, दो बार मेहनत पड़ी है, डायरेक्ट जल्दी सॉल्व हो गया, तो दोनों में से आप कोई भी तरीका आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th की बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का रेंज, रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस वन, x कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस टू, तो x और x तो ये कैंसिल, लेकिन x नॉट इक्वल टू जीरो कैंसिल कर रहे हैं तो देखना होगा क्या, तो जीरो तो ले नहीं सकते हैं, जीरो बाई जीरो आ जाएगा। अब बचा क्या, y बराबर x माइनस वन अपॉन x प्लस टू, तो सबसे पहले तो देखें x का मान जीरो क्या होगा,
एट x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो अगर x जीरो नहीं होगा तो y का वैल्यू माइनस हाफ भी नहीं होगा, तो y का वैल्यू माइनस हाफ आप नहीं ले सकते हो। फिर अगर इसकी बात करें तो y इज इक्वल टू x माइनस वन एक्स प्लस टू, तो एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू वन प्लस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। रेंज हम लोग क्या जानते हैं, वाई का वह मान जिसके लिए एक्स इन्फिनिटिव ना हो हमारा या इमेजिनरी ना हो, तो नीचे यहाँ वन माइनस वाई आ गया है, वाई का मान वन नहीं हो सकता है हमारा, तो वाई इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि अगर वाई का मान वन आ जाएगा तो नीचे जीरो आ जाएगा, नीचे जीरो आ गया तो एक्स इन्फिनिटिव हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए, तो माइनस हाफ इसकी वजह से हटा, वाई का वैल्यू वन इसके हिसाब से नहीं हो सकता, मतलब ये दो वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वाई को और कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इसका रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, आर इन एब्सेंस ऑफ माइनस हाफ कॉमा वन, मतलब सी आंसर जो है वो सही है, माइनस हाफ इसकी वजह से हटाया और वन इसकी वजह से हटाया, तो आर इन एब्सेंस ऑफ माइनस वन बाई टू कॉमा वन आंसर। अब इसमें गलती लोग ये करते हैं कि ये काम तो y इज नॉट इक्वल टू वन तो ले लेते हैं जो बी ऑप्शन दिया है, लेकिन ये वाला चीज हम भूल जाते हैं, क्योंकि यहां x अगर जीरो हटा रहे हो तो इसमें भी तो देखना होगा, x जब जीरो ही नहीं होगा तो y माइनस हाफ कैसे हो जाएगा हमारा, तो इसमें भी बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, इसका आंसर c ना लगा करके b लगा देते हैं, आर इन एब्सेंस ऑफ वन लगा देते हैं, जो कि गलत है। बोनस नंबर आपको देने के लिए काफी होता है, वह सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी आपका आंसर गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, ये कह रहा कि f of x is equal to अगर x हो जाए g of x is equal to 1 by x हो जाए और h of x is equal to f of x into g of x, तो इसका मतलब कि x into 1 by x, तो h of x 1 कब होगा, then h of x 1 कब होगा, 1। तो ऑप्शंस हमारे थे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेकंड दिया है x बिलोंग्स टू q रेशनल नंबर के लिए, थर्ड दिया है r इन एब्सेंस ऑफ q, और फोर्थ दिया है x बिलोंग्स टू रियल x नॉट इक्वल टू जीरो। तो अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, x x कट करके वन आ तो गया, अब समस्या कहाँ है हमारा, लेकिन क्या होता है, फिर ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है और अक्सर बच्चे इसको गलत करेंगे, कट करके वन तो आ ही गया है, वन को कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसका आंसर ए लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर ए नहीं लगाना है, कोई भी फार्मूला आप तभी लगाते हो जब उसको डिफाइन कर लेंगे। अब एक्स का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो वन बाई जीरो जी ऑफ एक्स तो डिफाइन ही नहीं होगा, जीरो के अलावा और किसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पर इसको दिक्कत नहीं है लेकिन जीरो पर इसको दिक्कत है, तो एक्स का मान हम जीरो नहीं ले सकते हैं, तो एक्स इंटू वन बाई एक्स वन होगा, लेकिन तभी जब एक्स जीरो के इक्वल ना हो, मतलब कि सही आंसर जो होगा इसका डी लगाएंगे, ना कि आप ए लगाएंगे, तो अक्सर आप ए लगा करके चले आते हो जो कि आपका गलत होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए, तो f of x is equal to दिया है sin पर पावर 4x plus cos square x upon sin square x plus cos पर पावर 4x, तो पूछ रहा है कि f of 2002 का वैल्यू क्या, तो x की जगह 2002 रखेंगे तो sin 2002 का वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो इसको कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना होगा, ये बताइए सबको या तो हम साइन में बदल लें या तो सबको कॉस में बदल लें, तो साइन पर पावर 4x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर पावर 4 लिख लिया, ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर पावर 4x आ गया, तो ये बच गया 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर पावर 4x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस कॉस पर पावर 4x, दोनों सेम आ गया 1, मतलब कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो x का चाहे कुछ भी यहाँ वैल्यू रखें, अगर f ऑफ x 1 आया है तो cos 2002 भी 1, 2002 ही नहीं किसी पर भी इसका वैल्यू पूछता तो आंसर 1 ही होता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर है इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है वो और भी आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। एफ आर टू आर डिफाइंड एज कह रहा है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स है। तो ये पूछ रहा है, ध्यान से इसको समझिएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन, कि वन वन ऑन टू फंक्शन है, कि वन वन इन टू फंक्शन है, कि मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, कि मेनी वन इन टू फंक्शन है हमारा। तो यहां पर हमारा जो है इसके लिए आप मैपिंग ऑफ फंक्शन जो आपका वीडियो है जरूर से आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन खुद भी जेई मेन में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है, अब एयरफोर्स में पूछे जाने की बारी है। तो कभी भी किसी बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता आपसे इस साल ही पूछा जाए, बड़ा आसान सा सवाल है। इसके आप वीडियो देख करके अगर मैपिंग ऑफ फंक्शन से समझेंगे तो बड़े आसानी से इसको समझ में आ सकता है आपको। तो यहां पर साइन एक्स का वैल्यू तो हम जानते हैं कि माइनस वन से वन आता है, लेकिन एक्स का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है तो एक्स प्लस साइन एक्स अगर करेंगे तो ये भी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, मतलब वाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हमारा। तो रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल है। ऑनटो इनटू चेक करने के लिए क्या होता है, अगर रेंज को डोमेन के बराबर आ गया इसका मतलब फंक्शन ऑनटो है हमारा। और वन वन मेनी वन के लिए ये देखना है, एक्स के किसी भी एक वैल्यू के लिए वाई का, एक्स के किसी भी दो वैल्यू के लिए वाई का सेम वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो साइन जीरो जीरो होगा, साइन पाई भी जीरो होगा। जैसे यहां साइन रिपीट कर सकता है, एक्स तो रिपीट नहीं करेगा, एक्स बदलेगा तो वाई भी बदल जाएगा। जैसे हम अगर बात करें एक्स अगर जीरो तो वाई जीरो आएगा, लेकिन एक्स पाई करेंगे तो पाई प्लस साइन पाई, तो साइन पाई का फिर वैल्यू जीरो आना है लेकिन वाई का वैल्यू तो पाई आ जाएगा। तो जहां एक्स बदलेंगे तो टोटल वैल्यू भी इसका बदलना है हमारा। तो कभी भी एक्स के किसी भी दो वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू सेम नहीं आ सकता है, यानी कि जो ये फंक्शन होगा वो वन वन होगा। ऐसे भी अगर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के ग्राफ की बात की जाए तो ये ग्राफ बनता है इसका हमारा, ये हमारा ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का। अब एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन इसको कभी दो जगह नहीं काट सकता है, कभी भी दो जगह नहीं काटेगा अगर हमारा, इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो वन वन होगा। कुल मिला के वन वन ऑनटो फंक्शन ये होगा हमारा। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये आपको दिया है f ऑफ x बराबर x प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2, तो f इनवर्स x कितना होगा ये पूछा जा रहा। तो प्लीज फिर आप इनवर्स फंक्शन का वीडियो आप जरूर देखें, फंक्शंस के ढेर सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, वीडियो डाले गए हैं चैनल पे, उसको देख के अगर आप समझेंगे तो आप खुद ही कर लेंगे बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को। तो f ऑफ x मतलब कि y है, x प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2। तो आपको अगर इनवर्स निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है कि y जो x के टर्म में दिया है x को y के टर्म में बदलिए आप, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3, दोनों साइड पावर 3 कर दें तो ये x प्लस 2, तो x बराबर y प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस 2, ये हमारा x y के टर्म में आ गया। अब क्या करना होता है, x को f इनवर्स 1 लिख y लिख दिया जाता है, तो y प्लस 2 पर पावर 3 माइनस 2, मतलब f इनवर्स x बराबर x प्लस 2 पर पावर 3 माइनस 2। ये जो है आपका आंसर, b जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारा।
तो बड़े आसानी से ये सब सवाल लग सकते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनवर्स से भी रिलेटेड और फंक्शन को पहचानने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो एफ ऑफ एक्स बराबर आपका दिया है 64x³ 1/x³ एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 4x + 1/x³। तो इसमें पहले रिलेशन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स बराबर इसको हम 4x³ + 1/x³ लिख सकते हैं। a³ + b³ का फार्मूला a+b³ - 3ab × a+b होता है, यानी कि 4x + 1/x³ - 4x × 1/x × 4x + 1/x कर दिया, ये 3/3 xx कट गया 4 × 3, तो ये 27 − 12 आ गया हमारा, 3 यहाँ और भी है आपका, 3 × 3 = 4 × 12 = 36, ये कितना आ गया आपका -9। तो एफ ऑफ एक्स अगर -9 है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो एक्स की जगह कुछ भी रखें तो वैल्यू -9 ही आना है। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा भी -9, एफ ऑफ बीटा भी -9, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है आपका। 18 की बात की जाए, एफ आर टू आर दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 4/x + 2। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 - x में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया भाई, 4 × 4 × 2 ये हो जाएगा 4 × 1 - x 1 - x + 2, इसको 4/4 × 4/x + 2 लिख सकते हैं। तो 4/4 × 4 + 2 × 4/x, ये और ये कट जाएगा, तो 2/2 + 4/x हमारा। अब अगर देखें तो वही चीज़ तो है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x करेंगे तो 4/x, ये कितना आया 2 + 4/x, एलसीएम भी इसका 4+x/2, कट करके आंसर कितना 1 हमारा, यानी कि सही आंसर क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x = 1, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, 19 तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 - 2x - x² का डोमेन पूछा जा रहा है, डोमेन क्या है। तो जानते हैं रूट तब डिफाइंड होता है जब रूट के अंदर वाला 0 या 0 से ज्यादा है, 2 - x² > 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 < 0। तो सबसे पहले 0 के बराबर करेंगे तो -2 + -4 + 8/2, तो -1 + -√3 आ गया। नंबर लाइन पे लिया -1 - √3 - 1 + √3। आप प्लीज डोमेन का और साइन स्कीम से रिलेटेड इसके वीडियो जरूर देखें, जिससे कि अच्छे से और समझ में आया आपको। तो हम लोग कोई भी एक नंबर रख के चेक कर लिया जाता है, 0 रखें 0 - 2, तो यहाँ माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, हमें चाहिए क्या 0 से कम, तो 0 से कम यहाँ से यहाँ है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू 1 - 1 - √3 - 1 + √3, यही इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x - 1 + √3 - x का डोमेन पूछ रहा है। तो डोमेन रूट अलग अलग है, तो ये रूट भी डिफाइंड होना चाहिए, ये रूट भी डिफाइंड होना चाहिए। रूट कब डिफाइंड होता है, जब रूट के अंदर वाला 0 या 0 से ज़्यादा हो, तो 1, इधर प्लस, इधर माइनस 1 से ज़्यादा,
इधर जीरो करेंगे थ्री, जीरो रख के देख लें तो इधर प्लस इधर माइनस, मतलब थ्री से कम, दोनों का कॉमन वैल्यू निकाला जाता है वन थ्री, वन से ज़्यादा थ्री से कम, तो दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ गया वन टू थ्री। तो यही इस फंक्शन का क्या हो गया डोमेन, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है हमारा। फिर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, इसका डोमेन बताइए क्या है आपका। तो फिर इसको अलग से डिफाइन करें, इसको अलग से, रूट डिफाइंड तभी होगा जब ये जीरो या जीरो से ज़्यादा हो, इसको भी जीरो या जीरो से ज़्यादा किया, ऊपर वाले को जीरो करेंगे टू मिलेगा, नीचे वाले को माइनस टू, जीरो रख के चेक कर लें माइनस प्लस प्लस, तो माइनस टू से कम टू या उससे ज़्यादा, इधर सॉल्व करेंगे माइनस वन और वन मिलेगा, ऊपर वाले से वन नीचे वाले से माइनस वन, जीरो रख के चेक करें तो प्लस मिलेगा, इधर माइनस, तो ये हमारा माइनस वन से वन तक आएगा। अब डोमेन टोटल का निकालना है तो इसको अलग से डिफाइन कर लिया, इसको अलग से डिफाइन कर लिया, दोनों का कॉमन वैल्यूज देखा जाए हमारा, तो सबको एक नंबर लाइन पे लिखें वन टू, ये हमारा माइनस दो से कम पर या दो से ज़्यादा पे सही है, दूसरा वाला माइनस वन से वन पर सही है, तो दोनों एक साथ तो कभी सही होगा ही नहीं हमारा, ये वाला दो से ज़्यादा या माइनस दो से कम पे सही है, माइनस वन से वन पे सही है, दो कोई एक्स का ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पर दोनों पार्ट सही हो रहा, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा फाइव, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो f of x is equal to mod of x plus 2 upon mod, sorry, x plus 2 upon mod of x plus 2 कह रहा है, इसका रेंज पूछा जा रहा है, इसका परिसर पूछा जा रहा है, तो नो डाउट mod of x plus 2 क्या होगा, जीरो बराबर करेंगे तो माइनस दो, एक्स प्लस टू इधर प्लस इधर माइनस, एक्स प्लस टू जब x का मान माइनस दो से ज़्यादा हो हमारा, और माइनस ऑफ x प्लस टू जब x का मान माइनस दो से कम हो जाए, मॉड हम लोग जानते हैं मॉड के अंदर वाला प्लस हो तो मॉड डायरेक्ट हटता है और मॉड के अंदर वाला माइनस हो तो माइनस वन हटता है, मतलब ये हो जाएगा वन जब x का मान माइनस टू से ज़्यादा हो, माइनस वन जब माइनस टू से कम हो, मतलब y का मान या तो एक या तो माइनस एक्स, मतलब रेंज इसका हो गया माइनस वन कॉमा वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, वाई का मान वन माइनस वन के अलावा कुछ नहीं, ये तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ाओ देख, मॉड हटता है तो प्लस और माइनस लगता है, तो प्लस वाला रहेगा तो वन आएगा, माइनस वाला रहेगा तो माइनस वन, इसके अलावा और कुछ वाई हो ही नहीं सकता, देखने के साथ इसको टिक लगा देना था आपको। क्वेश्चन नंबर 23 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू सॉरी वन अपॉन टू माइन वन माइनस कॉस टू एक्स का रेंज पूछ रहा है आपसे, तो कॉस एक्स का वैल्यू जानते हैं माइनस वन से वन के बीच, तो माइनस टू कॉस एक्स का वैल्यू भी माइनस टू से टू के बीच, तो वन माइनस टू कॉस एक्स का वैल्यू माइनस वन से लेकर के थ्री के बीच आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक्स का मान अगर ए से ज़्यादा हो बी से कम हो तो 1 बाई एक्स लेस देन 1 बाई ए या फिर 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 बाई वी जब ए का मान 0 से कम हो और बी का मान 0 से ज़्यादा। इसके लिए आप रेंज वाला वीडियो आप जरूर देखें जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ज़्यादातर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को ना जानने की वजह से गलत करते हैं, तो प्लीज़ आप रेंज वाला सेक्शन जो वीडियो है वो आप जरूर देखेंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को तुरंत लगा सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 1 बाई 1 माइनस कॉस 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और 3 से कम है तो लेस देन इक्वल टू 1 बाई 3 सॉरी 1 बाई 3 से ज़्यादा हमारा, रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया, तो y लेस देन इक्वल टू माइनस 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 3, मतलब रेंज जो इसका हो गया माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 1 यूनियन 1 बाई 3 से इन्फिनिटिव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर फाइव मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स का डोमेन आपसे पूछा जा रहा, प्रांत पूछा जा रहा। तो फिर रूट है, रूट कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर वाला जीरो या जीरो से ज्यादा हो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड फंक्शन ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, मॉड के रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखें इसका। तो मॉड अगर स्क्वायर है तो मॉड हटा के लिखें या लगा के लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे एनडीए पे भी एक सवाल इस बार पूछा था। तो एक्स स्क्वायर को हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फाइव मॉड ऑफ एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करेंगे तो एक्स का मान प्लस माइनस टू, और मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस थ्री। नंबर लाइन पे लिया हमने माइनस थ्री माइनस टू टू और थ्री, जीरो रख के चेक कर ले प्लस आएगा तो जीरो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो माइनस चाहिए तो माइनस थ्री से माइनस टू तक, टू से थ्री तक, यानी कि डोमेन क्या लिखेंगे, माइनस थ्री टू माइनस टू यूनियन टू टू थ्री हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस सिक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा। तो पहले जनरल जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो वैसे सॉल्व कर लो आप। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस थ्री मिल जाएगा बराबर जीरो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान तीन। अब जानते हैं दो कब होता है, जब एक्स का मान दो या दो से ज़्यादा तीन से कम हो, और तीन कब होता है, जब तीन या तीन से ज़्यादा चार से कम हो। तो तीन के पहले तक यहाँ है, तीन से यहाँ स्टार्ट हो गया, तो दोनों मिला के हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to 2 to 4, मतलब कुछ options number D जो है वो उसका सही है। तो ये आपका हो गया functions के topic wise test का, जिसे हमें पूरी उम्मीद है अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो ढेर सारा answer सही होंगे। और ये भी आपको उम्मीद करता हूँ पता चला होगा कि आप गलतियाँ करते हो तो कहाँ गलतियाँ करते हो, ना चाहते हो भी कहाँ गलतियाँ हो जाती है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ आपके कितने मार्क्स इस टेस्ट में आए खुद से करके, और कितने निगेटिव आए वो भी कमेंट बॉक्स पे आकर के हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और जो थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है वो आपके लिए दूर की जा सके। मेरा दावा है अगर सारे टेस्ट आपके इसके देते हो टॉपिक वाइज और कंप्लीट सिलेबस का, तो आपको एयर आने वाले एयरफोर्स और एनडीए के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा इसका मिलने वाला है। और इस तरह का टेस्ट आपका जो है वो केवल सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे ही अवेलेबल है, और कहीं यूट्यूब पे उम्मीद करता हूं अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जो हमारे चैनल पे नहीं आए हैं आपके दोस्त उनको भी आप बताइए कि सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे इस तरह का टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चल रहा है, जिससे कि उनको फायदा हो सके, ज्यादा ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएं, तभी मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। अगर कुछ बच्चे भी बिना यहाँ आए अगर फ्री में सेलेक्ट हो सके तो इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आकर के चीजों आप सजेशन भी दें कि सर ऐसे अगर किया जाए तो हमारा और ज्यादा फायदा हो सकता है। देखो पढ़ना तो होगा, बिना पढ़े कोई उपाय तो नहीं है आपका, लेकिन फिर भी YouTube एक ऐसा माध्यम है कि आप दूर बैठे भी मुझसे पढ़ सकते हैं, तो इसका फायदा आप उठाइए और ढेर सारे टेस्ट दीजिए, सेलेक्ट होइए। जय हिंद जय भारत।